नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट जो कि है प्रोसेस प्लानिंग इंजीनियर और प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर की पोजीशन के लिए। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो है कंपनी का नाम सऊदी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज। ये जो है सऊदी अरेबिया के टॉप 10 इंडस्ट्रीज के अंदर आती है और यहाँ पर जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फटाफट से जो है आप इसकी पूरी डिटेल समझ लीजिए, उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इनमें से किसी भी एक फील्ड में आपका डिप्लोमा है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। अगर आपके पास बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर आपके पास जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है या फिर आपके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां पर प्रेफरेंस भी मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो यहां पर एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का। आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेपुटेटेड कंपनी के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग का और प्रोसेस प्लानिंग का, दोनों ही फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पोजीशन है वो है मेथडिंग इंजीनियर की पोजीशन और मेथडिंग इंजीनियर के लिए जो है आपको दोनों ही फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसेस प्लानिंग की भी और आपको प्रोडक्शन प्लानिंग की भी। दोनों टाइप की अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर एप्लीकेबल हैं और यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो है आपको अपना रेज्यूमे भेजना है और उस रेज्यूमे के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया के अंदर जो जो आप काम करते हैं वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए प्रोसेस प्लानिंग से रिलेटेड। जो भी आपने काम किया हुआ है इंडस्ट्री के अंदर वो आपको अपने रेज्यूमे में मेंशन करना है सही तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर के साथ में जो है अपना रेज्यूमे भेजना है और उस रेज्यूमे के साथ में जो है अपना पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट की कॉपी आपको जरूर अटैच करनी है। अगर आप पहले से किसी गल्फ कंट्री में काम कर चुके हैं तो आपको यहां पर जो है प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो है आपको अपना CV और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके एक मेल लिखना है। उस मेल के अंदर सब्जेक्ट में लिखना है जॉब अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मेथडिंग इंजीनियर। सब्जेक्ट में आपको क्लियरली मेंशन करना है जॉब अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मेथडिंग इंजीनियर। इसके अलावा जो है आपको ईमेल में ही आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर टाइप करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है फाइल अटैच करनी है अपने रेज्यूमे की और PDF फॉर्मेट में आपकी जो है रेज्यूमे की फाइल होनी चाहिए। उसके साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए और उसको भेज देना है हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पर, ठीक है। इस मेल आईडी पर आपको जो है अपना रेज्यूमे अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज देना है और जैसे ही आपके पास रिप्लाई मेल आता है कंपनी की तरफ से आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल डेट पर रेगुलर मौजूद रहिएगा विद गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट। अगर आपका जो है इंटरनेट क्वालिटी खराब होगी और इंटरव्यू में डिस्ट्रप्शन होगा तो ऑब्वियसली आपका जो है कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू के टाइम पे आप एक गुड कनेक्टिविटी वाले एरिया में होने चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि सैलरी जो है सऊदी मैकेनिकल इंडस्ट्री में काफी अट्रैक्टिव रहती है, इंडिया के मुकाबले जो है काफी बढ़िया सैलरी आपको मिलेगी। इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो लगभग जो है आपको 1 लाख अप्रोक्सीमेटली जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही कुछ और जॉब अपडेट हम अपने चैनल पे आपके लिए पोस्ट करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।